110 सीसी सेगमेंट में गाइस सबसे ज़्यादा डिमांडेड और सबसे ज़्यादा बिकने वाली होंडा की लिवो 110 आपके सामने में प्रेजेंट है गाइस। तो इसका एवरेज और इसका परफॉर्मेंस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और आप अगर एक माइलेजदार गाड़ी के बारे में या गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो जाएगा 110 सीसी सेगमेंट में कौन सी बाइक अपने को परचेस करनी है 2023 में। तो गाइस बात करेंगे आज 2023 मॉडल होंडा लिवो BS6 की, जो कि इसका फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और इसके बारे में हम लोग जानेंगे गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा लिवो 110 सीसी की बाइक के बारे में। तो ये जो बाइक है गाइस, आपको इसमें आपको ड्रम और डिस्क दोनों में अवेलेबल मिल जाते हैं। और इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो गाइस, ड्रम वाले मॉडल की 75,665 की एक्सोरूम प्राइस है, जो कि दिल्ली में है। और डिस्क वाले की बात करते हैं तो गाइस, इसमें आपको 79,708 रुपये की एक्सोरूम प्राइस दिल्ली में देखने को मिलती है। तो अब बात करते गाइस इसके कैमरे के बारे में। तो होंडा लिवो में इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो इसमें 109 सीसी की आ जाती है। और माइलेज की बात करें तो गाइस, इसमें आपको 98 का माइलेज या 60 का माइलेज देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो गाइस, इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। और इसके कब वेट की बात करें तो गाइस, कब वेट इसका 113 केजी है। फ्यूल टैंक की बात करें गाइस, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 9 लीटर की आ जाती है। सीट हाइट की बात करते हैं अब, तो सीट हाइट इसकी 790 mm की सीट हाइट है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कोई भी 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच का व्यक्ति आराम से इसको चला सकता है। तो अब बात करते हैं गाइस होंडा लिवो के कलर ऑप्शन के बारे में। तो इसमें आपको ब्लू मेटेलिक, ब्लैक, रेड मेटेलिक, मैट एक्सिस ग्रे, ये 4 कलर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं गाइस इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट आपको इसमें बता दिया था कि इसकी जो इंजन है 109 सीसी की है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो गाइस, इसमें 8.67 bhp 7500 rpm में इसका जो पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करते गाइस, तो इसमें 9.30 nm का इसका जो टॉर्क और 5500 rpm में टॉर्क जनरेट करता है। तो ये जो बाइक है गाइस, आपको सिंगल सिलेंडर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गाइस इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो कूलिंग सिस्टम इसका एयर कूलेड है और फ्यूल सिस्टम भी इसका फ्यूल इंजेक्शन लगा है। इसमें फ्यूल टाइप पेट्रोल है, BS6 वर्जन है गाइस। और रिजर्व की बात करें तो इसमें रिजर्व में आपकी गाड़ी इसमें दो लीटर एक्स्ट्रा और 2 लीटर की अगर आप रिजर्व में रखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही आपको माइलेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं गाइस इसके ब्रेक्स, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलता है। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो गाइस, इसमें हाइड्रोकॉलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो गाइस, इसमें आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। फ्रंट ब्रेक साइज की बात करें तो गाइस, इसमें आपको 130 mm का इसका फ्रंट ब्रेक साइज है। फ्रंट ब्रेक टाइप का बात करें तो गाइस, इसमें आपको ड्रम मिलता है। रेयर ब्रेक साइज की बात करें तो इसमें आपको 130 mm की रेयर ब्रेक साइज देखने को मिलती है। अब बात करते गाइस इसके कैलिपर टाइप में। तो कैलिपर इसमें आपको सिंगल पोस्टन कैलिपर मिलता है। व्हील टाइप की बात करें गाइस, तो व्हील इसमें आपको एलॉय मिलता है। फ्रंट व्हील साइज की बात करें तो गाइस, इसमें 18 इंच का फ्रंट व्हील साइज है। रियर व्हील साइज की बात करें तो गाइस, इसमें 18 इंच दोनों में दिखता है। अब टायर साइज की बात करें गाइस, तो इसमें 80x100 का और 18 इंच का इसमें फ्रंट टायर है। रेयर की बात करें गाइस, तो 80x100 का 18 इंच का टायर देखने को मिलता है। टायर दोनों टाइप ट्यूबलेस हैं, रेडियल नहीं है। और आपको बता देता हूँ गाइस कि ये जो गाड़ी बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं गाइस इसके डायमेंशन और चेसिस के बारे में। तो कब वेट आपको बता दिया था 113 kg की है। सीट हाइट भी बता दिया था गाइस आपको 790 mm की।
ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। ओवर लेंथ की बात करें तो गाइस 2020 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ। विड्थ की बात करें गाइस तो 751 mm की इसकी विड्थ आ जाती है। ओवरऑल हाइट की बात करें तो गाइस 1116 mm की इसकी ओवरऑल हाइट है। व्हील बेस की बात करें तो गाइस 1278 mm की इसकी व्हील बेस है। ये चीज टाइप डायमंड है। अब बात करते हैं गाइस इसके मैन्युफैक्चर वारंटी के बारे में। तो कंपनी प्रोवाइड करता है गाइस आपको 3 साल की इसकी मैन्युफैक्चर वारंटी जो कि 42,000 किलोमीटर पर। अब बात करते हैं गाइस इसके फीचर्स के बारे में। तो ऑडियोमीटर इसमें आपको एनालॉग देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग देखने को मिलता है, फ्यूल गेज मिल जाता है गाइस इसमें आपको, और इसका जो टैचोमीटर है वो आपको डिजिटल मिल जाता है। और इसमें गाइस ट्रिप मीटर भी इसमें आपको डिजिटल मिलता है। लो फ्यूल इंडिकेटर इसमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है। और लो बैटरी इंडिकेटर भी इसमें आपको नहीं मिलता है, एक चीज़ ध्यान रखना, लो बैटरी इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है। इंजन स्टार्ट इंजन स्टॉप किल स्विच देखने को मिलता है, इसमें आपको क्लॉक देखने को मिलता है। बैटरी इसकी 12 वोल्ट की बैटरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। तो हेडलाइट इसमें आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। ब्रेक टेल लाइट भी इसमें आपको हैलोजन देखने को मिलता है। टनल सिग्नल लैंप भी आपको इसमें हैलोजन देखने को मिलता है। पासिंग लाइट देखने को मिलता है। और एक चीज़ सबसे अच्छी एडिशनल फीचर इसमें सबसे अच्छा सर्विस ड्यू इंडिकेटर, जैसे कि आपकी गाड़ी अगर सर्विस का टाइम मंगती है तो इसमें सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, लव यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि काफ़ी डिटेलिंग और रिव्यू रहेगी। ये जो बाइक का मैं आपको बता रहा हूँ पूरा हिंदी रिव्यू रहेगा गाइस।